वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, टुडे इज 14th ऑफ जनवरी 2020। ओ भाई डॉगी ओ, अरे शान 2020 एंड आज है उत्तरायण इन गुजरात। ऐसे तो उत्तरायण हर जगह होती है, उत्तरायण इन द सेंस मकर संक्रांति, जिसमें हम पतंग नहीं चढ़ाते। वो क्यों नहीं चढ़ाते उसका अभी मैं बताऊंगा कि हम लोग क्यों नहीं चढ़ाते। एंड राइट नाउ यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि इतनी गजब की क्लैरिटी आ कैसे रही है। सो आई बॉट अ न्यू कैमरा जिसकी अनबॉक्सिंग अब आप देखने वाले हो। तो गाइस ये पहली ऐसी अनबॉक्सिंग है जो मैं खुद देख रहा हूँ, मैंने कहीं वीडियो भी नहीं देखी ऐसी अनबॉक्सिंग की जो कार में हुई हो। सो दिस इज माय सोनी A6400 विद वाइड एंगल लेंस, मतलब वाइड एंगल भी 18-135 का लेंस जो के साथ आता है। तो गाइज दिस सेटअप कॉस्टेड मी अराउंड 1,10,000 का MRP है इसका। थोड़ा सा डिस्काउंट मिला, ज़्यादा नहीं मिला। ये A6400 में एक और था जो कम वाला लेंस था, वो 85,000 का सेटअप था। बट आपके लिए, जस्ट फॉर यू गाइज, कि आपको एक अच्छी क्वालिटी मिले देखने के लिए, क्योंकि हमारे व्लॉग्स तो अच्छे होते हैं लेकिन क्वालिटी और साउंड का थोड़ा इशू होता है, इसलिए मैंने थोड़ा अच्छा वाला सेटअप लिया ताकि आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आए एंड यू गाइज इन्जॉय। तो चलते हैं वापस। सो गाइज राइट नाउ आज मकर संक्रांति था, तो हमने आज सोचा कि हम थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करें। सो वी हैव गॉट 100 समोसास एंड 100 नहीं कितने हमने लिए और हमने लिए है 50। भाई झूठ क्यों बोल रहे हो, 5 समोसे लाए थे उसमें 3 मैंने खा लिया। हम थोड़े समोसे लाए थे उसमें से इन्होंने 3 खा लिए, इन्होंने 2 खा लिए, खत्म हो गए। बाजी तो नहीं, मैं बेचारे बाजी मुझे खाई चलो, मैं नहीं खाता समोसे, मैं सच्चा बिहारी हूं, चुरा नहीं खा लिया। गुजरात में आपको जैसे पता ही है कि पतंग उड़ाने का बहुत गजब ट्रेंड है, लेकिन हम पतंग इसलिए नहीं उड़ाते क्योंकि 3-4 साल पहले एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर, मैं छत पे था, पतंग जगा रहा था, व्हाट हैपेंड कि एक पक्षी आया और एकदम से पास आउट हुआ, मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ। और जैसे ही जब मेरी पतंग कटी और जब उसको बोलते ना लपेट, मैं जब लपेट रहा था आई रियलाइज दैट, जब जैसे ही मैंने फिर की लपेटी हुआ क्या कि उस पक्षी का खून जो है उसका ब्लड वो मेरे दोरी पे था। एंड उस टाइम से लेके आज का टाइम है मैंने एक भी बार पतंग नहीं चगाई, शायद एक दो जगह भी ली होगी लेकिन उसके बाद मैंने कभी भी पतंग नहीं उड़ाई। एंड आई डोंट रिकमेंड कि पतंग उड़ाना चाहिए क्योंकि हम उन लोगों को हर्ट कर रहे हैं जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो इट्स वेरी वल्नरेबल अगर हम ऐसे सिचुएशन में भी पूरे दिन छत पे उड़ चढ़ के पतंग जगा रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। A few moments later. I don't care. क्या कर रही हो? मैं मसाज कर रही हूँ। हाँ दीदी बाय। मैं पैर दबा रही हूँ। पैर दबा रही हूँ कि मसाज कर रही हो? मैं पैर दबा रही। देखो पब्लिक, वन टाइम पब्लिक। दीदी आप फेमस हो जाते हैं अगर आप इधर होते आज। ब्लू टिक। कतई फेमस। Now you are on vlogs. You are famous, celebrity now. Now. Wow. बहुत पतंग चगा ली, बहुत थक गए, आसमान खाली हो गया, आज पूरा आसमान खाली कर दिया। सुबह से खड़ी हूँ पता नहीं कब। यहाँ पे एक एक करके सबकी ड्यूटी लगी है, सबको मसाज करनी है और जो बेस्ट मसाज करेगा उनको 10,000 बक्स का गिफ्ट है, मतलब 10,000 रुपीज नहीं, 10,000 पैसा। पसंद आया 10,000 पैसा का शर्त है। सो दीपांशु भाई यू कैन, इतनी जोर से नहीं, जान पर निकाल दो मेरी। ओ भाई अभी 108 भी आज 108 बीसी पता
दीपांशु इतनी जोर से कर रहा था तो मैंने बोला कि 108 आजकल बिजी होती है, अगर कुछ हो जाएगा तो 108 भी नहीं आने वाली. बोले पतंग चिका रहे यार तुम, छोड़ यार. I think I am very capable to win 10,000 paisa. 10,000 paisa वैसे होता कितना? 100 ले ये अभी दे दूंगी. 100 रुपए हम सबको शगन में मिले, हम सबको 100-100 रुपए शगन में मिले, तो I think मुझे अपने 100 रुपए डबल कर देने चाहिए. 21 दिन में पैसा डबल, उसके और 21 दिन बाद पैसा 4 गुना, उसके और 21 दिन बाद पैसा 8 गुना, उसके 16 गुना, 32 गुना. इसलिए मैंने पैर पे आ जाना, दो लोग हाथ में हो जाएंगे सबको. सब लोगों को दूंगी मैं 100 रुपए. सब लोगों को दूंगी ना. अच्छा, दीदी आपको क्या लगता है बेस्ट मसाज किसकी थी? बेस्ट मसाज थी सुमित की. एक्सप्लोर विद सुमित. और मैं अब हमें बहुत बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है जो सगन के 100 रुपए थे. पैसा डबल, 5 मिनट में पैसा डबल करने की स्कीम. ओ व्लॉग का टाइटल हो गया, 5 मिनट में पैसा डबल. ओ व्लॉग का टाइटल आ गया अपने पास. थैंक यू दीदी, थैंक यू. So guys, as you can see, कितनी गजब की पतंग उड़ रही है यहाँ पे. एंड हम लोगों में से कोई भी पतंग नहीं उड़ा रहा क्योंकि आपको तो पता ही है हमारी स्टोरी. एंड इतनी बहुत इस बार ऐसा लग रहा है कि पिछली बार से थोड़ी ज़्यादा पतंग उड़ रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा. और कबूतर भी बहुत सारे उड़ रहे हैं, बेचारों को पता नहीं है कि क्या हो सकता है, ऐसे फड़फड़ा रहे हैं और बहुत खतरा है कबूतरों के लिए. एंड लिटरली हम भी हेल्प ट्राई करेंगे कि अगर कोई एनिमल को हम हेल्प कर पाए तो उन्हें करें, क्योंकि दिस इज वेरी नेसेसरी. और टॉर्च भी कम कर देने चाहिए. देखो गाइस, आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है. लेकिन आपने देखा जैसे कि वो पिजन था वो लटक गया था एंड पूरा दोरी से ऐसा कट गया था और लगभग वो मर ही गया था. एंड ये घोड़े को देखो, इनको भी ब्लॉग में आना है तो इनको भी हमने ले लिया. और उसकी क्या गलती थी? उसकी कोई गलती नहीं थी, कि बस इतनी गलती थी कि वो हवा में उड़ रहा था जो उसका कर्म है. बट स्टिल ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से. अब आप लोग समझदार हो, आप ही को पता है क्या करना है, पतंग चकानी है कि नहीं चकानी है आपके ऊपर है. मैंने तो 3 साल से छोड़ दी, मैंने एक भी बार नहीं चकाई है. सो इट्स योर डिसीजन, आपके ऊपर डिसीजन है. सो गाइस, उत्तरायण गई बहुत ही एक्साइटिंग एंड स्पेशली फॉर मी. कैसे गई ब्रो उत्तरायण तुम्हारी? बहुत सही, बहुत सही, बहुत बहुत एक्साइटिंग गई. हम पतंग वतंग नहीं उड़ाते लेकिन हम ट्राई करते हैं कि ह्यूमैनिटी की थोड़ा हेल्प कर सके, क्योंकि ह्यूमैनिटी से हमें इतना कुछ मिलता है. सो इट्स टाइम टू गिव बैक. सो इफ यू लाइक द व्लॉग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब.